अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि सबको सेहतों से नवाजें। आज हम डायमंड्स कुकिंग में आलू खीमे की रेसिपी लेके आए हैं। खीमा है ये 1.25 किलो, आलू है एक आलू, अच्छा बड़ा था मैं कट करके रख ली छोटे छोटे पीसेस है ये। प्याज है मैं बारीक कट करके रख ली, प्याज को 2 डली प्याज है ये। 1 फुल चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर है। अब बनाना शुरू करेंगे अपन। खीमे की रेसिपी है ये, बनाना शुरू करेंगे अपन। गैस ऑन कर दी मैं, एक पैन रख ली, उसमें ऑयल डाल दी, तकरीबन 5 टीस्पून ऑयल है इसमें। प्याज है, प्याज डाल देंगे अपन ये पूरी, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है इसको। देख सकते हैं प्याज अपने गोल्डन कलर की हो गई, और जितना अच्छा प्याज का कलर रहेगा अपना खीमा उतना जबरदस्त बन के रेडी होता। खीमा बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट डिश है ये, खीमे की रेसिपी। हमारे पास अक्सर बहुत बनता खीमा, बच्चों को बहुत पसंद है हमारे, जरूर आप घर पे ट्राई करिए ये खीमा बनाना। और जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, ताकि आपकी मेरी नई वीडियो आए पहले आप ही देख सके। वैसा मैं रोज नहीं डाल रही हूँ, एक दिन डाल रही हूँ मेरी रेसिपी को। मैं अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अपन इसको, अच्छा कलर आ गया। खीमा अपना अच्छा, प्याज अपनी अच्छी तरह से तले गई, ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ, अच्छा 1 टीस्पून है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। जरा ये खीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा रहना, क्योंकि अपने को खीमे में अगर दुकान बो गई यहाँ की अच्छा रहता खीमा अपना। अदरक लहसुन को अच्छा कर लेंगे प्याज और अदरक लहसुन को पहले, तलेगा अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे अपन इसमें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुके हैं, खीमा डाल दिए इसमें, अच्छा भुन लीजिए खीमे को। अच्छा भुन लीजिए खीमे को ये, और इसका ही पानी अच्छा छूटता खीमे का। देख सकते हैं पानी इसका ही छोटा पर अच्छा है, इसको खेलने के लिए अच्छा भून ले रहे हैं। तेल, प्याज, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी सभी चीज़ें डाल दिए थे, इसको अच्छा भून लिए। अपना खीमा पूरा तलेगा इसमें तेल में, प्याज ऐड कर देंगे इसमें, ताकि अपने खीमा आलू अच्छा गले जाए। अच्छा भून लेंगे सभी चीज़ों को अपन, भुनना जितना अच्छा भुनेगा आपका खीमा उतना जबरदस्त बन के रेडी होता है। खाली तेल है देखिए आप, इसमें मैं तल रही हूँ पूरे खीमे को आलू को, अच्छा भुने जाना है।
खेमा देख सकते हैं अच्छी तरह से गले गया अपना पूरा। देखिए आप इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1 कप पानी है ये, ताकि अपना खेमा, आलू, प्याज सभी चीज़ें अच्छी तरह से गल गए। जैसा पानी ऐड कर दिया अपन, पानी पूरा ऐड कर दिया अपन। अब इसमें अपन ढक्कन ढक के 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अपन इसको। 10 मिनट्स के बाद बताऊंगी मैं खेमा आलू गल गया। अच्छा पानी पूरा सूख गया देख सकते हैं। अच्छा भूनेंगे अब इसको अपन। आलू भी गल गए अपने, खेमा भी अच्छी तरह से गल गया, प्याज भी पूरी भुने गई। देखिए आप प्याज भी पूरी भुने गई अपनी। अच्छा भून लेंगे अब सभी चीजों को अपन। अब मेथी की भाजी ऐड कर देंगे अपन इसमें। मेथी भाजी है, मेथी की भाजी जरा ज्यादा डालना इसमें, क्योंकि अच्छा अपने खेमे का टेस्ट अच्छा आता मेथी की भाजी से। और ये बिसान पना हुए नहीं आता खेमे का, अच्छा बन के रेडी होता खेमा अपना। और ये हरी मिर्चियां साथ ही में तोड़ के डाल देनी इसमें, हरी मिर्चियों से भी टेस्ट अच्छा आता खेमे का। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी सभी चीजें अच्छा भून लेंगे अपन। मेथी भी ऐड कर दिए, सभी चीजें अच्छी तरह से भुने गए देख सकते हैं अपन। खेमा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ अपना। अब भून लेंगे इसको अपन, पहले भी तेल में अच्छा भून लिए थे उसको। देखिए अच्छी तरह से खेमा अपना पूरा भुन गया, देखिए तेल भी अच्छा खुल गया अपना। और इसको दम पे छोड़ देंगे अपन थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके बताऊंगी कैसा बना अपना खेमा। प्लीज जरूर ट्राई करिए ये खेमे की रेसिपी आप घर पे। अपन ऐसा दम पे छोड़ देंगे साइडों से जरा जरा पानी डाल के, ढक्कन ढाप देंगे इसका, मीडियम आंच पे रख देंगे इसको अब 5 मिनट के लिए। खेमा बन के रेडी है अपना, अच्छी तरह से भुने गया, अच्छा दम हो गया अपना खेमा। मैं अब सर्व करके बताऊंगी खेमे को। देखिए अब खेमा कितना अच्छा बना अपना देख सकते हैं। आलू भी अच्छे गल गए अपने। एक मैं सर्विंग बाउल में निकाल ले रही हूँ मैं खेमे को अपने। देख सकते हैं खेमा बन के रेडी है अपना। प्लीज आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर मेरी ये आपको ये पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके बोल सकते हैं आप। अगर आपको नई डिश के लिए भी होना है तो प्लीज कमेंट करिए आप। आपकी रेसिपी कुछ भी नहीं होना है तो भी कमेंट करके बोल सकते हैं आप। जब तक के अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊंगी मैं। जब तक के अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए, दुआओं की गुजारिश है आप सबसे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज़।